हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम करंट डिफरेंशियल रिले देखेंगे डिफरेंशियल रिले के तीन टाइप्स होते हैं करंट डिफरेंशियल रिले वोल्टेज डिफरेंशियल रिले और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले इसमें हम देखेंगे करंट डिफरेंशियल रिले तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉयल दिख रही है ये जो वाइंडिंग दिख रही है इसी को इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये करंट डिफरेंशियल रिले स्कीम लगाई गई है और ये जनरेटर की कॉयल हो सकती है या किसी ट्रांसफार्मर की कॉयल हो सकती है इसके दोनों एंड पे देखिए दो करंट ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं सी टी वन एंड सी टी टू और यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो आई वन है इट इज इक्वल टू आई टू और ये मेन uh, लाइन की करंट है तो ये हेवी करंट हो सकती है तो इसलिए हमने करंट ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से इसको लोअर डाउन किया है और ये जो पायलट वायर है ये वाला जो वायर ये पूरा पायलट वायर कहलाता है इसमें हमको हेवी करंट नहीं चाहिए इसलिए हम इसको सी के हेल्प से करंट को डाउन करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 हंड्रेड एम करंट फ्लो हो रही है तो हम इसको 5 एम करंट में कन्वर्ट कर लेंगे अब देखिए ये जो यहाँ पे ये कॉयल लगी है ये रिले की ऑपरेटिंग कॉयल है और अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ये यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I1 वन डैश वो ऐसे डाउनवर्ड्स जाएगी और I2 टू डैश ये अपवर्ड्स जाएगी यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हमको पता है ये जो I1 वन डैश है और I2 टू डैश है इक्वल होगी और इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी इस रिले कॉयल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी या कोई बहुत स्लाइट करंट फ्लो हो सकती है इस कंडीशन में ये रिले ऑपरेटिंग कॉयल ऑपरेट नहीं होगी बट अगर कोई फॉल्ट आता है मान लीजिए यहां पे फॉल्ट आ गया तो इस इन दोनों करंट में ह्यूज डिफरेंस बनेगा आई वन जो है आई टू की इक्वल नहीं रहेगी सिमिलरली जो आई वन डैश है वो भी आई टू डैश की इक्वल नहीं रहेगी फॉर एग्जाम्पल आई वन डैश यहां पे फाइव एम्पियर हुआ एंड uh, आई टू डैश यहाँ पे मान लीजिए वन एम्पियर हुआ तो यहां पे देखिए ये फाइव एम्पियर डाउनवर्ड्स और वन एम्पियर अपवर्ड्स तो यहां पे फोर एम्पियर की करंट इस रिले ऑपरेटिंग कॉयल में फ्लो होगी और ये रिले ऑपरेटिंग ऑयल ऑपरेट होगी हम यहाँ पे इसको ऐसा सेट करते हैं एक प्रीसट वैल्यू पर अगर करंट फ्लो होती है उससे ज्यादा इस रिले कॉयल में तो ये रिले कॉयल ऑपरेट होती है तो देखिए अंडर हेल्दी कंडीशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई वन डैश इज इक्वल टू आई टू डैश इस कंडीशन में इस कंडीशन में रिले विल नॉट ऑपरेट यहां पे रिले ऑपरेट नहीं होगा दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी बट इन केस ऑफ एनी फॉल्ट और डिस्टरबेंस यहां पे i1- और i2- जो होगी वो इक्वल नहीं होगी और कुछ करंट इस रिले कॉइल में फ्लो होगी इन दोनों करंट का डिफरेंस जो है इस रिले कॉइल में फ्लो होगा और ये रिले कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी ऑपरेट होने के लिए और इस सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से सेपरेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर को ये रिले एक सिग्नल देगा तो ये था डिफरेंशियल करंट रिले या करंट डिफरेंशियल रिले तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच